कॉफी के पहले घूंट के साथ मुस्कुराहट का चेहरे पे दस्तक देना, और वो भी रात के इस वक्त। जी हाँ, मैं और मेरी हमसफर, मेरी दोस्त, मेरे साथ है मेरी कॉफी। कहते हैं ना, दोस्ती भी वही अच्छी होती है जिसमें बोलने से पहले न वक्त देखना पड़े न शब्दों को ढूंढना पड़े। और ऐसे ही दोस्तों को अक्सर प्यार से कहते हैं, क्या कमीने दोस्त मिले हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, ये दोस्ती नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, ये दोस्ती नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, बेइज्जती का दरिया है गालियां सुनते जाना है, सुनते जाना है, सुनते जाना है। यकीन मानिए, ऐसे दोस्त, ऐसी दोस्ती, ऐसा यारना बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि जब पास में कोई नहीं होता तो दूर बैठा दोस्त भी साथ बैठा नजर आता है। पर क्या अच्छे दोस्तों के बीच सब अच्छा अच्छा ही रहता है? क्या कभी एक दूसरे को वो इग्नोर नहीं करते, या उनमें कभी बातें बंद नहीं होती, कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती? और अगर इसका जवाब आप हाँ में दे रहे हैं, तो यकीन मानिए आप मुझसे नहीं अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। ये सब होता है, पर क्यों होता है? शायद जब एक दोस्त अपने दोस्त की पूरी बात सुनने को तैयार नहीं, या जब एक दोस्त अपने दोस्त से ठीक से कह नहीं पाता, और शायद तब भी जब एक दोस्त यह सोचता है कि सामने वाला तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बिना कहे ही उसे समझ जाना चाहिए, और ऐसे में शुरू होता है कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्त दोस्त होता है उसे खुदा ना बनाओ, हम मनुष्य हैं, मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है। कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा, आपके साथ नहीं हुआ जनाब? जरा पुरानी यादों में कभी जाना हो तो उन लम्हों को अच्छे से खंगालिएगा जरूर, क्या पता कुछ पुराने दोस्त और पुरानी दोस्ती याद आ जाए। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड विद मैं और मेरी कॉफी।